ये प्रशासन ने 10 लाख रुपए लिए, इनसे भी हाँ भी इसको फलक शेर को मरवा देंगे। और मेरे भाई का धर्म भ्रष्ट भी किया, बुला के मारपीट करवाई उन्होंने जी। पहले तो दादा में रह चुके हैं, ये तो आतंकवादी है। जीत सिंह अगर तो उनका पुराना रिकॉर्ड देखा, ये तो आतंकवादी है। दरगाह में धर्म भ्रष्ट किया, बोला अगर किसी को बताया तो तेरे को जान से मार देंगे। उन्होंने गुंडे वार्ड रखे हॉस्पिटल वार्ड में, अफीम खाते हैं, उनका टेस्ट करवाया जाए जी, सारी जेल समाट रखी आने जी। कितना रुपया की बेचा अंदर के हिसाब में? वो तो आप करोड़ों की बेचे नागरिक अफीम जी, वो कमाऊ कूत है इनके, मतलब जो प्रशासन है इनके। फलक शेर को जान से मारने के 3 रात लगातार इसने रो रो के और जग जाकर काटी है। जब भी ये सो जाएगा तो इसका गला घोट देंगे। हनुमानगढ़ जेल तो बहुत ही ज्यादा बदनाम है। हनुमानगढ़ जंक्शन की जिला जेल है एक बार फिर विवादम आ चुकी है। बता दूं लगातार जिला जेल के अंदर लाला दिना जिया की दीवारा का ओपरा से है जो मादक पदार्थ फेंकने का मामला आता रहा। बी के सागे सागे अंदर कैदियां के सागे मारपीट का भी बहुत सा मामला है जो सामने आ चुका है। बी के सागे सागे जेल के अंदर मोबाइल फोन इसी जर्दा पुड़ी का पैकेट इसी वारदात हर एक महीने के अंदर अपना देखने को मिले। अब एक नयो मामलो है हनुमानगढ़ जंक्शन की जिला जेल के अंदर सामने आयो। बता दूं थाने ए भाई साहब खड़े आंगो नाम है फलक शेर सिंह और अब भी महज कुछ देर पहले आंगी जमानत हुई है। आंगो आरोप है, आंगे परिवार का आरोप है कि अंदर जेल के अंदर 302 और 307 का जो कैदी है आंगे सागे अंदर बेरे के अंदर मारपीट करी। बता दूं थाने सलेमगढ़ मसाणी का रहना रहा है और जो जो मारपीट करनी है कैदी जो बताया जा रहा है बेबी सलेमगढ़ मसाणी का है और आंगे आपसरी के अंदर विवाद हो, आपसरी के अंदर रंजिशी नियम वो है कि दो जो आपसरी रंजिश का जो गुट का है बने एक बेरे के अंदर को नहीं रखे जा सके। जबकि फलक शेर जी और आंगे परिवार का लोगों को आरोप है के जी बैरक के अंदर हा और सामली पार्टी ने भी 302 और 307 का मुकदमा का जो आरोपी है बने भी बैरक के अंदर डाल दिया गया और फलक शेर सिंह जी सागे सागे है आगे सागे मारपीट करी 3 दिन ए रात है जो जाग जाग के काटी बतावा। तो परिवार के लोगों के अंदर आक्रोश है, जिला कलेक्टर साहब भी मिलेगा, सारा मिलेगा तो आक्रोश है। बातचीत को सिलसिला आगे जारी करेंगे और पूरे का पूरा जो मामला है वो जानेंगे। क्या नाम वैसा था? फलक शेर जी। फलक शेर जी पहले यहाँ बताओ खटक रहना रहो। मैं सलेमगढ़ मसाणी तहसील टीपी जी। सलेमगढ़ मसाणी तहसील टीपी। हाँ जी। थे आरोप लगा रहे हो कि जी को ऊपर थे मुकदमा दर्ज कराए 302 307 तरह के दी थाना और बने एक ही बैरक में डाल दिए गए, क्या बात है पूरी? वो तो जी प्रशासन का है जी, भी पहले मैं 3 नंबर बैरक में था, उस दिन मेरे को बुला के मारपीट करवाई उन्होंने जी। पहले तो फिर मेरे को दरगाह में धर्म भ्रष्ट किया, बोला अगर किसी को बताया तो तेरे को जान से मार देंगे। उन्होंने गुंडे वार्ड रखे हॉस्पिटल वार्ड में, अफीम खाते उनका टेस्ट करवाया जाए जी तीनों का। और उसके बाद में मेरे को दूसरे सेलसा में डाल दिया गया जी। तो मैं सुनो थे मतलब जाग जा के रात काटी ये सब भी कुछ हाँ, वहाँ गुंडा उंडा रो मैंने जी। अच्छा। भी बजे कद भी मार सके इन खातर में जी। कद हाँ। तो थाने भी जी बैरक के अंदर थे या बी बैरक में बने कट डाले गए? पहले थे बाद में मेरे को डाला गया। अच्छा बेबी बैरक में अभी बैरक में थाने भेजे गए तो थे माने कहो को नहीं भाई आऊँ मैंने खतरो है मेरी जान ना खतरो है। अठे भी रहना पड़ा है। अच्छा अठे रहना पड़ा और थार सा जब मारपीट हुई अंदर? मेरे बार तो एक बार ही मारपीट हुई। अच्छा। वो भी हॉस्पिटल वार्ड में हुई मारपीट। अच्छा, हॉस्पिटल वार्ड। हाँ वहाँ चक्के ले गए थे मेरे को। अच्छा कौन ले गया चक्के? वहाँ को जगदीश सिंह, सुभाष सिंह, बलजीत सिंह इनके 3-4 गुंडे पार रखे थे जी। अच्छा जानता नहीं मैं, उन्होंने चक्के ले गए अंदर और मेरे को अच्छा मारपीट की पूरी। अच्छा, मारपीट करी तो कोई छुड़ाए को नहीं और कैदी या कोई जेल कर में मेरे को कहा अगर किसी को बता दिया फिर दरगाह पे ले गए मेरा धर्म भ्रष्ट करवा के वहाँ 100 नेम करवाई। उसके बाद में मेरे को बोले भी अगर तुमने कुछ कहा तो तेरा ठीक नहीं रहेगा, किसी को बताया तो अब जमानत हो ये के थारी? हाँ मेरी जमानत होगी। जमानत हो गई तो मैंने यहाँ बताओ थे फलक शेर जी थे कितना दिन अंदर आ? 8 दिन अंदर हो जी मैं। अच्छा, पिछले बुधवार का जी। अच्छा बुधवार अंदर हो, आज जमानत हुई है? आज जमानत हुई। तो थे और जो अंदर मारपीट हुई और जो कैदी में 302 307 का है थारी एंटी पार्टी है जबकि नियम तो है कि जो दो जो आपसी रंजिश का जो गुट हो बने एक बेर का वहाँ पर आखी कौन सका तो अठे आज चीजें क्या होगी? हाँ तो यहाँ ही करी है जी प्रशासन वाला ही। अब के मांग करो थे मिले होगे कोई प्रशासन हुआ कोई सर? अब तो जी मेरे बलजीत सिंह, जीत सिंह और सुभाष सिंह है जिनके गुंडे इनको जहाँ से 40 कटाई जाए जी अगर जो जेल बचानी है तो इनको जहाँ से अजमेर दिया जाए रेफर और जो अफीम खाते इनका टेस्ट भी करवाया जाए जी। एक फलक शेर जी एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, जेल के अंदर जी हमेशा जिला जेल हमेशा विवाद में रही है अंदर नशो बिक है, बीड़ी बिक है, सिगरेट बिक है, ये सही बात है अंदर? अंदर कोई नशो पता है? तो नशा तो होता ही है जी, सबसे ज्यादा अफीम का होता है जी। अफीम को नशो है? कौन बेचा है अंदर? वो जगजीत सिंह ही करे जी सारो। अच्छा और सारी जेल ही संभाल रखी आने जी। कितना रुपया की बेचा अंदर के हिसाब में बेचा? वो तो आप करोड़ों की बेचे नाग रहे अफीम जी। नहीं कितना रुपया तोड़ो देवा अंदर? वो तोड़ा दे 10,000 रुपया तोड़ो। 10,000 रुपया तोड़ो तो कैदी वे अंदर है बे खटू लेके आओ भाई, लोग खरीदे भी है कि खरीदे है तो मतलब ये तो कुछ हो गई जेल के अंदर। मोबाइल वगैरह भी है क्या अंदर कैदियां के? मोबाइल जीत सिंह का है, मोबाइल तीना का है जी, बलजीत सिंह का है, जीत सिंह का है। अभी टाइम इस मसाणी समाचार दे मैं कैदी कूट दी अभी आदमी ने अपना विरोधी पार्टी ने मेरे सामने फोन कर दियो। तो अब के मांग करो थे सरकार के होना चाहिए? मेरी तो जे जिला प्रशासन जे मांग है जी, जीत सिंह, बलजीत सिंह, सुभाष सिंह वगैरह तीनों इनको अजमेर जेल में डाला जाए जहाँ गुंडागर्दी रुक जाएगी बस।
ठीक है, मेरी यही मांग है। तो अपने साथ सुखप्रीत सिंह जी गिल है जो अंगा फलक सेठ जी का जो है जो धर्म भाई है ये है ये बताओगे अपना पूरा मामला। सुखप्रीत जी थे बताओ के प्रकरण के है सर। मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे को मतलब कि इनकी मैसेज मुलाकात करने आई थी तो उन्होंने बताया भी इसके साथ ये मारकूट होगी और ये होगी और मतलब कि समाचार तो देखो पहुंच ही जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये प्रशासन को जाके फिर परेशान करते हैं भैया तुमने बार बता दिया ये कर दिया वो कर दिया। तो हमारे पास समझ लगा कि इस तरह से करके ये मारपीट होगी और मैं यहाँ पर जेलर साहब के पास आया। मैंने कहा जेलर साहब ये बात ऐसे से करके ऐसे है और उन्होंने इनको जेलर साहब और इनको एसी लगवा के दे दिए और मतलब कि 1.5 लाख रुपए में इन्होंने हॉस्पिटल किराए पे ले रखा 10-12 जने हैं जो हॉस्पिटल अंदर हॉस्पिटल है अंदर हॉस्पिटल है उसमें मतलब कह देते हैं कि ये पेशेंट है पेशेंट होगा एक दिन रहेगा दो दिन रहेगा तीन दिन रहेगा चार दिन रहेगा परमानेंट ले रखा है इन्होंने। और मतलब कि ये क्योंकि ये सारी जेल का मतलब जो इनके मतलब कि कमाऊ पूत होते हैं वो कमाऊ पूत हैं इनके मतलब जो प्रशासन है इनके और ये जेलर जी हैं जो इनको मैं 3 दिन पहले आया मैं हमारे बंदे के साथ मारपीट हुई है मैंने खुद कह यार तेरे को कौन कह रहा है मैं कोई भी मेरे बात बोला ठीक है आप खिड़की के पास आ जाओ मैं खिड़की के पास बताता हूँ बकायदा वीडियोग्राफी देखी जाए। मैं गया अंदर तो मैंने इन्होंने खिड़की से मेरी बात करवाई तो ये जो फलक सेठ इन्होंने खुद कहा कि आप भी मारपीट करवा रहे हो आप ये कह रहे हो फिर इन्होंने खिड़की बंद कर दी। तो बाहर एक सिपाही थे आप वीडियो में देख लेना मैं शक्ल देख के पहचान सकता हूँ तो वो आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कहा मैं नहीं ये सुन लो बात। मैंने उनको सिपाही को भी बोला भी ये सुन लो भाई साहब आप बात देख लो उसके साथ वो कह रहा है अंदर तो इसको फिर उन्होंने धमकाया अंदर अगर तूने बाहर जाके बात की तेरे ऊपर मुकदमा डाल देंगे जो तेरी ये पैरवाई करता है इसके ऊपर ही मुकदमा डाल देंगे हम कह देंगे इनकी कोई पुरानी कोई रंजिश है जो कोई और लड़के मैं तो जानता नहीं। मैंने जेलर साहब को भी ये बात कही ये तीनों अधिकारी थे इनको मैंने ये कही अमरा राम जी हैं रणवीर जी हैं और एक नरेंद्र जी हैं। मैंने कहा भी हमारे जो मुलजिम है वो बहुत ज़्यादा परेशान है आप मेरी मुलाकात का 3 दिन हो गए उसको जागते हुए को आप उसकी अलग बैरक करी जाए। इन्होंने अलायका ये शुरू में ही 3 नंबर में था इन्होंने जान बूझ के 3 नंबर से निकाल के जो एंटी पार्टी हमारी उसके साथ उस बैरक में किया। ये प्रशासन ने 10 लाख रुपये लिए इनसे भी हाँ भी इसको फलक शेर को मरवा देंगे फलक सेर ने इनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। मैं ये कह रहा था जी कि ये तो प्रशासन की मिली भक्ति है जी हम ये नहीं कहते कि हमारे सामने पैसे दिए हैं लेकिन इन्होंने पैसे दिए हैं कम से कम 10 लाख रुपए दिए हैं फलक शेर को जान से मारने के 3 रात लगातार इसने रो रो के और जग जाकर काटी है जब भी ये सो जाएगा तो इसका गला घोट देंगे। क्या नाम है तारो मुश्ताक खान जी मेरा नाम मेरे भाई को वैसे पूरे परिवार को हमारे खतरा है जी बार भी अच्छा। अंदर तो बहुत बुरा हाल मेरे भाई साथ किया इन्होंने प्रशासन भी मिली भगत है जी और ये जो इन्होंने गुंडे पाल रखे हैं ये सबसे ज़्यादा मिली भगत है जिनकी अच्छा। और हम जिला कलेक्टर के पास जाएंगे SP साहब पास जाएंगे ज्ञापन देंगे कि हमारी जान को बार भी खतरा है अंदर मेरे भाई साथ बहुत ज़्यादा जैती की उन्होंने जी और मेरे भाई का धर्म भ्रष्ट भी किया है। धर्म भ्रष्ट किया करे जी मेरा भाई मुसलमान है जी इसको झूठा भी खिलाया और इसको धमकी दी कि आप अगर ये बाहर जाके ये बात बताओगे तो हम आपको परिवार को और आपको मारने का परेशान किया जाएगा। मैंने फलक सेठ जी एक बात थे बताओ थे यहाँ पर मुकदमा करवाए और ये थारा भी मुकदमा के कारण ही अंदर है ना तो थे मुकदमो क्यों के कारण और मुकदमो की खतर करवाए यहाँ पर 2020 नवंबर महीने की 13 तारीख को इन्होंने कत्ल कर दिया था वहाँ पे काम पे कत्ल करनी है तो 10-12 जना सारा खाना हथियार है वीडियो भी है इनकी पूरी ठीक है उनमें 3-4 जने अंदर है 3-4 की जमानत होगी और ये लोग कह रहे हैं कि मेरे को 3 साल हो गए मैं तेरे को डीक रहा था इस वजह जगजीत सिंह जी कह रहा है 3 साल से डीक रहा था तू कब आएगा आज मेरे हाथ आया तू मेरे को पूरा ठका के उसने मांझा है और आगे मुकदमो करवाए 20 चीज को बदलो वो कहा 20 तारीख को तने क्यों तू नाम मुकदमा दर्ज करवाई सजा मैंने मिली है जी आगे मिल सका मैंने सजा जी तो फायर मार के अपने बंदे का हमारे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज कराया था फलक शेर पर भी इन्होंने खुद अपने ही बंदे के फायर मार के हमारे ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज करवाया था और क्यों मारे फायर वो खुद इन्हीं के ऊपर हो गया है 307 का पता लग गया भी इन्हीं का ही था ये तो इतने अपराधी का ये तो टाटा में रह चुके हैं ये तो आतंकवादी है जीत सिंह अगर कहा तो उनका पुराना रिकॉर्ड देखा तो आतंकवादी है हाँ टाडा में रह चुका है ये टाडा अब तो खत्म हो गया कानून टाडा में रह चुका है टाडा में रह चुका है जीत सिंह मतलब बता दूं टाडा कानून है किसो कानून हो जो मतलब टाडा जी पर लाग जाया करती वो एक तरीके का आतंकवादी प्रवृत्ति का लोगों के ऊपर ही टाडा लागे करती लेकिन अब जो टाडा कानून है वो खत्म कर दिए गए बताओ क्या नाम है जी थारा मेरा नाम अपारजोत बराड़ है अपारजोत के लागे थारा ये अपने मित्र ही है सुखप्रीत गिल अपने मित्र है और ये इनके धर्म भाई है कई सालों से हमारा एक दूसरे के साथ फैमिली रिलेशन तो है तो कुछ हो गया बराड़ साहब तो कुछ हो गया अंदर अगर जेल के अंदर ही सुरक्षित को नहीं तो फिर सुरक्षित है कटे फिर बिल्कुल इसी चीज को लेकर हम मैं जैसे आपको बता रहे हैं कि अभी हम कल कलेक्टर साहब से मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे और SP साहब से भी हम मिलेंगे और ताकि इनकी जान को जैसे बता रहे बाहर भी इनकी जान को खतरा है तो अब इनको मिलकर हम पूरी जिम्मेदारी इसकी है जो प्रशासन की होगी अगर कल इनको कुछ भी होता है तो कुछ हो गया अंदर जेल के अंदर तो जेल अंदर है मतलब मन लगा जेल में भी सुरक्षित को नहीं कह दी तो
बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है इस हिसाब से, तो इस हिसाब से तो अंदर ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर सुरक्षित कैसे होंगे। तो हमसे प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ली जाए और इनको न्याय दिलवाया जाए। हनुमानगढ़ जेल तो बहुत ही ज़्यादा बदनाम है, सुर्खियों में रहती है, इसमें ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं और बहुत बार अखबार में पढ़ा है। अब इनको जो जेलर वगैरह है इनका सबका ट्रांसफर करके इनको चेंज किया जाए, कोई नए जेलर ईमानदार आदमी लगाए जाए यहाँ पर, यही मांग है हमारी। के बात है, मैं ये कह रहा था जिस तरह से ये जेलर साहब वगैरह वगैरह पैसे लेके आदमी मरवाने की रखते हैं तो इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। ऊपर से अफीम आती है ये जीत सिंह वगैरह वगैरह जो ये अपराधी का है, ये इनका टेस्ट करवाया जाए, पता चल जाएगा इनका अफीम का टेस्ट करवाया जाए। तो बहुत बार अंदर चेकिंग भी हुई है, अंदर एक बार बता दूं, बहुत बार अंदर चेकिंग भी करी गई है प्रशासन की तरफ, और चेकिंग के अंदर मोबाइल फोन का जो केस है वे भी सामने आ चुके हैं। कैदियां बहुत बार अंदर मोबाइल फोन मिल चुके हैं, दीवारा के ऊपर मादक पदार्थ फेंकने का बहुत सा मामला सामने आ चुका है, कदे छिट्टो फेंके गए, कदे के फेंके गए, वह मामला के अंदर पुलिस कार्रवाई भी करी, वह आरोपियां नहीं पकड़े जो फेंके। 20,000 रुपए में फोन मिल जाता था पहले, तो अब मेरे ख्याल से 30-35,000 रुपए का छोटा का एक फोन आता है, कोई 5-6 होगा, ये जेलर अगर पहुंचा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अंदर 500 मोबाइल 30,000 मिले। हाँ, 30,000 रुपए मिलता है। अब मैं आपको नंबर दे दूंगा, जो ये एंटी पार्टी है हमारी, इनके नंबर हैं, इनसे इनके घर पे ही बात हुई, इनके सब दे दूंगा, ये जेलर साहब के दिए हुए हैं, रिकॉर्डिंग निकाल लें और बकायदा वीडियोग्राफी देखें, क्या रंग ठाट है, क्या कुछ है। भी एक ही बैरक में 302 का मुलजिम, मतलब कि जिसने FIR दर्ज करता है उसको भी उसी के साथ हार देना, 3 दिन उसको मारना, इससे बड़ा और क्या होगा। ये तो पूरी गुंडागर्दी चला रखी है। जेलर साहब सब मिले थे, नरेंद्र स्वामी है, अमरा राम है, एक रणबीर है, ये सब मिले हुए हैं। 15 लाख पता नहीं 10 लाख रुपए बता रहे हैं कि 15 लाख, अपने को नहीं पूरा कन्फर्म नहीं है, लेकिन पैसे लिए फलक शेर को मारने के लिए। मैं 3 दिन पहले भी ये बात कह गया हूँ साहब, ये बात अच्छी नहीं है, आप हमारे बंदे को कहीं और कर दीजिए, एक ही बैरक में तार रखा है, वो मार देंगे, उसको मार देंगे और इसका मुंह बंद करवा दिया। फिर इसको कह बोले कि ला मैं तुम्हारे सामने फलक शेर को बुलाता हूँ, आप वीडियोग्राफी मंगा, जेल की वीडियोग्राफी देखी जाए, क्या बुलाता हूँ, मुंह पे करवाता हूँ। मैं क्या ठीक करवाओ, खिड़की में जब बुलाया साथ साथ खिड़की बंद कर दी, फलक शेर जब कहने लगा तो खिड़की बंद कर दी, फिर मेरी बात भी नहीं करवाई, फिर 3 दिन तक कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं। मुलाकात करने आते तो क्या 25 तारीख को इसकी वाइफ कर गई, 8 दिन पहले हम 8 दिन मतलब हम मुलाकात नहीं करवाते। फिर तो जो फलक शेर है और बंगा परिजन है, जेल स्टाफ के ऊपर बड़ा ही गंभीर और संगीन आरोप लगाया है। अपन अंदर जिला जेल के अंदर आया है, जो जेलर है अमरा राम भाटी, बंग से बातचीत करने की कोशिश करी, तो जेलर अमरा राम जी भाटी है साफ तौर पर बातचीत करना इनकार कर दी और बातचीत में बातचीत को नहीं करा, और तो बातचीत करने की बहुत कोशिश करी अपन अंदर जाने की, और लेकिन फिर भी है वे आपका वर्जन देने तैयार को नहीं, वरना बंगो वर्जन है, बंगो भी के स्टेटमेंट है वो भी थान सुनाता। तो हो पूरा मामलो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मन जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन का बटन दबा दो और वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। हर गांव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे माने फोन करो, मैसेज करो, मैं थारा गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंत में मैंने दे इजाजत, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।